ये आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर, वो भी आपके काम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। हमारे आपके सबके मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और इसी को लेकर सबसे बड़ी खबर ये है। देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है, व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश कर दी है। नई पॉलिसी पर अगर आप सहमति व्यक्त नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, यानी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी में आपसे जुड़ा सारा डेटा व्हाट्सएप के पास होगा, आपके बैंक बैलेंस और लेनदेन और आपकी चैटिंग पर व्हाट्सएप की नजर रहेगी। यूजर्स को नए टर्म एंड कंडीशंस पर सहमति देनी होगी। अब जब भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसमें 8 फरवरी तक आपको सहमति देनी है, यानी आपको एक्सेप्ट करना है। उसमें सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो आप सहमति देंगे या तो आप सहमति नहीं देंगे। सहमति देने के बाद ही आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेन देन, सेल, गैजेट, आईपी, डील का डेटा शेयर करना होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ। इंटीग्रेशन का ये ऑफर है, यानी व्हाट्सएप ये जो डेटा है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप पर नई पॉलिसी का ये पॉपअप लगातार, जब भी अब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो ये आने लगा है पॉपअप, और उसमें सिर्फ दो विकल्प है, या तो आप सहमत हो सकते हैं या फिर आप सहमत नहीं हो सकते हैं, और सहमत होंगे तो ये डेटा शेयर किया जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ। आप जो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका आप सीधे से ये मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को किसी प्रोडक्ट का कोई लिंक शेयर किया तो उसके आधार पर तुरंत फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपकी प्रोफाइल पर उससे संबंधित विज्ञापन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे।